मुंबई में थर्ड न्यू फेलोशिप फॉर स्क्रीन राइटर्स की क्लोजिंग सेरेमनी रखी गई थी, जहां पर मौजूद थे फिल्म इंडस्ट्री के एक से बढ़कर एक स्क्रीन राइटर्स और डायरेक्टर्स, और इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट थी स्वरा भास्कर। इस प्रोग्राम को रखने के पीछे का क्या कारण था, सबसे पहले वहां मौजूद स्क्रीन राइटर्स ने हमें बताया। We wanted each of the stories to be centered around women characters, and we wanted their issues, their relationships, the serious and intense issues that we find facing young women in our society. And it's quite a saga of this girl as she battles through all these things to come out on top. That's Mela. That only men can write, you know, male characters well, or write stories which have a certain quality of masculinity. Likewise, vice versa. You know that it can't be sort of prejudicially assumed that men cannot write sensitive or even sort of real woman characters. I mean, you do have all these four here who are here, all the three men that we have. हर एक राइटर ने फिल्मों के पीछे किस तरीके से लिखावट में जोर दिया जाता है, इसका जिक्र भी किया। And he came up with the story of a Muslim woman, okay, also the struggles within marriage and how she continues to hold on not just to her hope for fulfillment but without compromising her dignity in the process, eventually coming out of top or coming out on top in a very believable way. वही चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद स्वरा भास्कर का क्या था कहना, सुन लीजिए। सबसे पहले इसलिए क्योंकि आई थिंक कि ये पहला ऐसा भारत में पहला ऐसा इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो ये समझता है कि राइटर्स को भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कि वो हवा खा के लिख नहीं सकते, और वो एक फेलोशिप देता है, एक स्कॉलरशिप टाइप का देता है एक साल तक आपको। तो सबसे पहले तो वो आपको एक अमेजिंग सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। वेल, फिल्में तो बन जाती हैं और एक्टर कई सारे डायलॉग्स बोल जाते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन आज जान लीजिए कि यही वो लोग हैं जो फिल्मों के डायलॉग और कहानी लिखते हैं जिसे एक्टर पर्दे पर निभाता है।